ये तो इम्पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में किसी से कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, लड़ाई ना हो, डिसलाइक ना ट्रू हो, ये इम्पॉसिबल है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ दैट एट द एंड ऑफ द डे यू क्लियर योर हार्ट एंड मेक श्योर द अदर पर्सन क्लियर्स हर और देयर हार्ट फ्रॉम यू. दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. और ये मुझे ज़िंदगी में एक सबक मिला है बहुत बड़ा, ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ. एंड आई एम श्योर दिस विल बी अ लेसन टू सो मैनी. मैं तो आपकी बात सुन के तो ये पूछने वाली थी, कहना आसान होता है करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपने कैसे किया? आई वुड लव टू नो दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि कभी कभी आप फॉरगिव करते हैं लेकिन आप फॉरगेट नहीं करते हैं. नहीं, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अल्लाह से मदद मांगनी पड़ती है, बिकॉज जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं होती वो फिर आप जो सुपीरियर मोस्ट है आप उससे हेल्प मांगें और आपके अंदर आ जाती है. बहुत साल पहले मेरी एक फ्रेंड से मेरी बहुत बुरी लड़ाई हुई थी. सालों गुजर गए जवानी में, जोश में, नहीं वही गलत थी, वही गलत थी. एक दिन मुझे बहुत एहसास हुआ और मैं तो जब व्हेन आई बिकेम अ सिंगल पेरेंट, मुझे आई वाज 24 और मुझे लगता था मैं कल मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा. वो फिर मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग था. तो उस वक्त फिर मुझ में ये चेंज आया कि मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा कि यार नहीं, ज़्यादती हो गई मुझसे. तो मैंने खैर ऊपर देखा, मैंने कहा कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो. कुछ पता नहीं था वो कहाँ है क्या है. अगले दिन मेरे भाई मेरे घर आए. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था, बहुत बड़ा सबक. और जैसे प्रैक्टिस मैं आज तक कर रही हूँ और मैं सब लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि ये एक रीज़न काफ़ी होना चाहिए आप लोगों के लिए अपना दिल साफ़ करने के लिए. अगले दिन मेरे भाई मेरे घर आए, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारी जो फलां दोस्त थी ना उसकी बड़ी बहन हमारे कॉलेज में प्रोफेसर लगी है. मेरे रोंगटे खड़े हो गए. मैंने कहा मुझे उसका नंबर चाहिए. खैर ही सर क्यों खैरियत? मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए. अगले दिन मैंने उन्हें फ़ोन करके याद कराया कि मुझे उसका नंबर चाहिए. नंबर मिला मुझे. बड़े कांपते हाथों से, आंसू भरे हुए थे आंखों में, मैंने उसे कॉल किया. मैंने कहा यार मुझसे ज़्यादती हो गई थी, पता नहीं अब तेरा मेरा करने में किसका तो फिर कसूर था? किसका कसूर था, लेकिन मुझसे ज़्यादती हो गई थी तो तुम मुझे माफ़ कर दो. कहती कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैंने कहा नहीं, तुम अल्फाज कहो कि तुमने मुझे दिल से माफ़ किया. एंड आई वॉज क्राइंग. शी सेड क्या हो गया शैगी? शैगी इज़ माई निक नेम. मैंने कहा नहीं यार, तुम मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम कह दो तुमने दिल से माफ़ किया. खैर उसने मुझे कहा और मुझे लगा कि उसने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है. तो मुझे लगा कि मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है. और ये चीज़ें जो हैं ये इतना नासूर बन जाती हैं आपके अंदर कि कभी ना कभी ज़िंदगी में ये फटते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या बहा के ले जाते हैं. सही बात है. उस बात के एक हफ्ते के बाद मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया एंड ही सर तुम्हें पता है उसका मर्डर हो गया है. ओह गॉड. मुझसे छोटी थी वो उस वक्त. शी मस्ट बी 30 और आई डोंट नो व्हाट. और मैं इतना शॉक्ड थी इस बात से, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुक्र करूं अल्लाह का इस बात के लिए जो उसके जाने से पहले हो गई, या अल्लाह ताला ने ये प्लान किया था मेरे अंदर डाला, या मैं उसकी मौत का गम मनाऊं कि वो इतनी यंग एज में चली गई. एंड आई डोंट नो. लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मैं अल्लाह के तो हमेशा ही करीब थी. एंड आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम व्हेन एवर आई फेल्ट बैड और सैड और डाउन. आई स्टिल डू. लेकिन उसके बाद तो मैं सजदे में गिर गई और मैंने उस दिन से अपना ये ईमान बना लिया कि कभी भी कहीं पे भी किसी से कोई बात हो जाए, हो जाती है, इट्स ओके, उसके बाद गले लगा लें, माजरत कर लें, दिल साफ करके वहाँ से निकलें. उसको पकड़ के नहीं बैठे. नहीं सही कह रही है. ये बहुत ही आपने खूबसूरत बात शेयर की और आई विश कि हम सब ये लर्न करके इसको प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि जब वो मौका निकल जाता है फिर रिग्रेट के साथ जीना और एक और जिंदगी का एक और कुछ पता आजमाइश नहीं है है. आपकी. जिंदगी का कुछ पता नहीं है. और आप आपकी सोच भी चेंज होती है. जो कुछ बहुत साल पहले चेंज आप होती है. सोचते हैं आप फिर एक डिफरेंट इंसान बन जाते हैं कुछ सालों में ज़िंदगी. या थोड़ा सा हम दोबारा ड्रामे की तरफ आएंगे आपकी जर्नी तरफ. आंच, पहला रिएक्शन, फैन रिएक्शन, या कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आंच हैज़ बिकम दिस ह्यूज प्रोजेक्ट? मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चला, क्योंकि उन दिनों तो आपको टाइम ही नहीं मिलता था. 7 दिन हफ्ते के, एक दिन रीडिंग,
उसके बाद एक दिन रीडिंग होती थी, फिर रिहर्सल होती थी, फिर उसके बाद चार दिन शूट होती थी. तो बिल्कुल, क्योंकि रिपीट भी नहीं होते थे प्लेज, ना यूट्यूब था ना कुछ था. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो मुझे आइडिया इस तरह से हुआ कि कोई पाँचवीं छठी एपिसोड के बाद एक दिन शूट जल्दी ख़त्म हो गई. मैंने कहा तारिक रोड से कपड़े ले लूँ, कपड़े ख़त्म हुए हुए. तो मैं वहाँ गई कपड़ा लेने, तो कहते बाजी अभी नहीं कपड़ा देगा, दुकान बंद कर रहा है. मैंने कहा क्यों, अभी तो टाइम है. इसे नहीं नहीं आज ड्रामा आना है, दुकान बंद करके सड़कें भी खाली है. मैं कह रही हूँ कौन सा ड्रामा आना है, आँच आना था. तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ. फिर मेरे अब्बू ने कहा कि मेरे जो बॉस हैं उनकी वाइफ तुमसे मिलना चाहती हैं. फिर इस तरह से डिफरेंट लोगों के, मेरी अपनी फैमिली में लोग कहने लगे कि अम्मी कहती हैं, मैं वहाँ गई थी तो किसी ने कहा कि इनकी बेटी है शगुफ्ता एजाज, उन्होंने कहा वो जो आँच में आती उल्फत, आज भी मुझे YouTube पे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि उल्फत, हम तो आपको उल्फत ही जानते हैं. तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आई वाज अ पार्ट ऑफ आँच. और मुझे लग रहा है जब आपके फादर ने बोला होगा तब आपको कितना खुशी फील हुई होगी, क्योंकि आप इतना उन्हें कन्विंस करके गई थी फॉर हिम टू से कि मेरे बॉस की बेगम या बॉस मिलना चाहते हैं आपसे. वो तो एक आपका उसको उस दिन खुशी का लेवल ही कुछ और होगा कि बहुत यार, खुश थी. और उन्होंने तारीफ भी की कि बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं तो शूट पे होती थी, वो लोग घर पे देखते थे. तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया. उसके बाद कभी बाहर निकली बाद में लेटर ऑन जब ख़त्म हो रहा था, या तो कभी कोई और फैन रिएक्शन हुआ जो आप शेयर कर सकें? बहुत, उन दिनों अगर कोई किसी शादी में चले जाते थे तो मुश्किल हो जाता था बैठना, ऑटोग्राफ का फैशन था. तो बस लोग मिलके इतने खुश होते थे, हाथ पे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मैं तो धोऊंगी नहीं, और पैसों पे ले रहे हैं, टिश्यू पे ले रहे हैं, किसी भी तरह से वो जो उनकी आंखों में खुशी होती थी ना उस वक्त मिलके, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड होता था, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, सिर्फ एक टीवी ही था जहां वो हमें देखते थे, और उसके बाद अगर अपने सामने देखते थे तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती थी. अब थोड़ा सा मैं एक पर्सनल सवाल आपसे करूँगी, इफ यू आर ओके टू आंसर दिस. जब आप खुद सिंगल मदर बनी तब आज की कोई मेमोरी याद आई, या तब आज में जो कुछ हुआ, बिकॉज मुझे याद है आपने एक जो एक दो जगह बोला भी है कि आज करके आपको रियलाइज़ हुआ कि जब औरत वापस जाती है या चेंजेस होती हैं ज़िंदगी में शादी के बाद, तो वो कैसे चीज़ें वैसे नहीं रहती जैसे पहले होती हैं. उस वक्त कुछ आज की जो लर्निंग्स थी वो आपको हिट की, या आपको वो जैसे डेजा वो नहीं होता कि यार ये तो उल्फत के साथ मैंने कभी ऐसा होते हुए सोचा नहीं. माय केस वाज डिफरेंट, क्योंकि मैं घर नहीं गई, मैं अपने अपार्टमेंट में ही थी अपनी बेटी के साथ, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई अदर चाइल्ड व्हेन आई बिकेम अ सिंगल पेरेंट. तो वहाँ पे हार्डशिप का लेवल और था. घर वालों का ये रवैया देखना आई एम श्योर वो ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा.